अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग वॉक के लिए जा रही थी और हमने अपने साथ डंडा भी रखा हुआ है, क्योंकि हम अंदर वाली गलियों में जाएंगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे डॉगी होते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमने अपने साथ डंडा रखा हुआ था। और ये देखें, रात को मैंने अर्क लगाया था ना, आपको मैंने वीडियो में दिखाया था प्रीवियस व्लॉग में, तो ये देखें, एक दफा लगाने पे इतना प्यारा कलर आया है, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे 3 4 दफा लगाया हो, लेकिन बस एक ही दफा अभी लगाया था। और आके हम लोगों ने नाश्ता किया है। आज हमारे नाश्ते में था मुगलकल, ये लैम मीट से बनता है, और इसके साथ थे मूंग चने, साथ पराठे थे, बच्चों के लिए ऑमलेट वगैरह। ये ना हम हैवी सा नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि हम दोपहर में फिर ब्रेक लेते हैं। दोपहर में हम लोग ना फिर खाना नहीं खाते, कुछ स्नैक वगैरह या जूस पी लेते हैं और फिर रात का खाना खाते हैं। अच्छा, नाश्ते के बाद ये लोग चले गए थे बटेरे, मुर्गे और खरगोश लेने के लिए। पहाड़ों के खरगोश में अभी आपको दिखाती हूँ, बहुत क्यूट से होती हैं, ये देखें, इस कलर में होते हैं। हमने जब भी देखे हैं ना पाकिस्तान में, तो व्हाइट ब्लैक कलर में देखे हैं, इस तरह का कलर मैंने कभी भी नहीं देखा था। फिलहाल इनको पकड़ के इतना खुश हो रहा था, इतने मासूम है, या कुछ कहते भी नहीं है। खैर, आजकल व्लॉग आपको काफी लंबे देखने को मिलेंगे और आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये देखो गाइस, ये शालिहात की एंट्रेंस है। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की है और ये रहे झूले। ये चले गए छोड़ के, ये देखें इसकी एंट्रेंस कुछ डिफरेंट है। जब हम लास्ट टाइम आए ना, वो कोई और था, ये दूसरा है, ये सेम वही वाला नहीं है। इसमें बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें आपको दिखाती हूँ, आपको भी आइडियाज़ मिलेंगे, मुझे भी। मुझे तो वैसे बड़ा शौक है नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का। ये छोटे बेबी का झूला है, आपका वो वाला है। अच्छा, यहाँ वॉशरूम है और यहाँ जब इंटर होते हैं तो ये देखें, ये है स्विमिंग पूल इस तरह से। जगह तो दे दें, हट जाएं हट जाएं, बिलाल आप भी हट जाएं। ये देखें, ये इस तरह स्विमिंग पूल चल रहा है, वो चेयर्स पड़ी हुई हैं, वो स्विमिंग के लिए डक भी है। और ये देखें इस बेल के ऊपर कितने प्यारे फ्लावर लगे हुए हैं, ये देखो। अच्छा, ये फाउंटेन है, रात को चलता है, लाइटिंग भी है। और ये देखें, ये धूप में ना इसका कलर ही ख़राब हो गया है, इस मजलिस का। अच्छा, ये बाहर से हो गया सारा, इस तरफ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से, ये ना ये देखें छत बनी हुई है इसकी, ब्लू लाइट्स हैं, छत बनी हुई है। तो इस तरह से ये इधर मैं देख लूँगी। अच्छा, ये है कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपने आना हो तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं। ये डोर है, मुन्ना उधर खेल रही झूले थे मुन्ना। अच्छा अच्छा जी, ये देखें, ये बाहर विंडो लगी हुई है, बहुत प्यारी सी। यहाँ से एंटर होते हैं, अभी अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इतने सारे सोफा रखे हुए हैं, सेंटर टेबल है, ये देखें ऊपर लाइटिंग कितनी प्यारी है। और आगे किचन भी है, सब कुछ है। मैं एक दफा ये डोर क्लोज कर दूं, कर्टन्स आगे करते हैं। ओके, सो गाइस, अभी आप देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये वॉल सामने जो है ना, ये बहुत प्यारी है। और यहाँ से ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से आपको व्यू देती हूँ मैं, ये देखें, यहाँ पे LCD है, जायनमाज है, और ये साउंड सिस्टम भी है, ये कबर्ड पड़ी हुई है। अच्छा, अभी आगे ले जाती हूँ आपको और किचन देखती हूँ। ये देखें, यहाँ पे लाइटिंग है, बहुत प्यारे प्यारे से ये प्लांट्स रखे हुए हैं, आर्टिफिशियल नज़ारे। छोटी सी ये फ्रिज है, ये मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, अभी शायद इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। ये एक छोटी फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छा है, अगर एक हस्बैंड वाइफ 2 3 बच्चे हैं साथ, तो उनके लिए बिल्कुल ठीक है। ये कुकिंग रेंज है, ओवन है, और ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये ब्लू कलर में।
बहुत अच्छा है ये सब कुछ। ओके अभी आपको आगे चल के दिखाती हूँ। यहाँ पे है वॉशरूम, वॉशरूम में ब्लैक एंड वाइट ग्रे कलर का सारा कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। और ये देखिए कितना खूबसूरत मिरर, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको घर दिखाती हूँ। मैं भी देखती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज मिलते हैं, क्योंकि इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब हम अपना घर बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हम यहाँ से भी अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ डाइनिंग एरिया, अगेन यहाँ पे सारे कर्टन्स ही हैं, और यहाँ से स्विमिंग पूल जाने के लिए ना रास्ता है, बाहर से रास्ता नहीं है। अभी इस तरफ से मैं आपको ये व्यू दिखाती हूँ, ये देखें इस तरफ से ऐसा दिख रहा है। ये डाइनिंग एरिया बहुत प्यारा है, ये देखें ये टेबल कितना क्यूट लग रहा है। ओके अभी चलते हैं बेडरूम में, ये देखें जी ये ओवरऑल व्यू है। दीवारें इसकी बहुत प्यारी हैं, ग्रे कलर में इस तरह से, और ये ग्रे एंड ब्लैक का ही कॉम्बिनेशन है बेड के लिए। इन लोगों ने पीछे बहुत शोर मचाया, मुझे लगता है मुझे वॉइस ओवर ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे है ड्रेसर, एसी भी लगा हुआ है, और यह है बहुत बड़ी सी एक कबर्ड। ये स्लाइडिंग डोर है, अच्छा ये वाली कबर्ड है। ओके ये है पूरा रूम, और इस तरफ है वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर भी इस तरह से ये देखें, ये देखें कलर्स चेंज होते हैं, बल्कि एक ही कलर है, ऑन करना है या ऑफ करना है वो आपकी मर्जी है। अच्छा ये सबसे खूबसूरत चीज मुझे ये लग रही है, यहाँ कुछ सोप वगैरह और बॉडी वॉश जेल के लिए ये सब कुछ मशीन भी है, और ये शॉवर लेने के लिए ये वाला एरिया भी है। अच्छा जी ये सारा हो गया वॉशरूम, और ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी खुला वॉशरूम है। गाइस वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है, पोज लेने के लिए बाजू मुड़ चुड़ जाते हैं, कड़ल पड़ जाते हैं। प्लीज़ आप लोग ना लाइक किया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, और बस आपसे यही गुजारिश है अपना बहुत सारा प्यार दिया करें। इनके फ़ोन बज रहे हैं इनको पता ही नहीं, ये देखें देखते हैं इसके भी कलर चेंज होते हैं या नहीं। नहीं बस इसका भी एक ही कलर है। सो गाइज आपको ये घर कैसा लगा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। और यहाँ देखें ऊपर से इस तरह, और ये है ओवरऑल व्यू। और यहाँ से सामने है स्विमिंग पूल आ रही। सो गाइज अभी हम चलते हैं नहाने के लिए। कहाँ से बाहर आना है, कहाँ से बाहर से? ओके मैं समझी थी अंदर से एंट्रेंस है, लेकिन नहीं यहाँ बाहर से एंट्रेंस है। इनके तो फोन ही बजी जा रहे हैं, बस काफी शोर आपको सुनाई दिया होगा पीछे। वैसे ना हमारे पंजाबियों में बहुत ही रोला होता है, जिथे मर्जी जाके वेख लियो पंजाबियों के घर च रोला ना पवे तो होर की होए। अच्छा यहाँ से भी आपको पूरा व्यू देती हूँ, ये देखें।
ओके गाइस, आ रही हूँ। किधर ले, पता नहीं किधरों इंटर हूँ। अच्छा, मैं समझी थी बाहर से, ये फिर अंदर से। यार मैं सही जलील हो गई हूँ यार, पहले वीडियो बनाने के चक्कर में इतना मैंने सबर किया है, अब मेरे चक्कर लग रहे हैं, कभी बाहर कभी अंदर, मुझे एंट्रेंस ही नहीं मिल रही। अच्छा ये देखो, इधर से है। ओके गरम पानी है, कितना किसी शोर कर दे, इधर शोर बहुत ज्यादा है। रुको तो सही, चेक तो करने दो। ऐसे कितना, ये लो बच्चों, ये लो ग्लास। आपकी वीडियो बनाऊं ऐसे, खुश है। जी पूरा दिन एंजॉय करने के बाद अभी हम लोग घर वापस जा रहे थे, तो मैंने सोचा आपको एक दफा फिर से कॉन्टेक्ट नंबर दिखा दूं। अगर आपने कभी यहाँ आना हुआ तो इस नंबर पे फोन करके आप पहले से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और रेट वगैरह भी फाइनल कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको फाइनल रेट बता नहीं सकती। गर्मी में इसके रेट हाई होंगे और सर्दियों में रेट जो है ना वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं विजिट के लिए, और गर्मियों में बहुत ज्यादा सैफिया का सीजन होता है ना, तो बहुत ज्यादा रश होता है, तो उस टाइम पे रेट भी बहुत हाई हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आपने आना हुआ पहले फोन करके आप सारी डिटेल ले लेना और फिर अपनी बुकिंग करवा लेना। घर आके हम लोगों ने हांडी रोटी की, आज हमने बनाया था देसी मुर्गा और साथ आलू मटर वाले चावल बनाए थे। गाइस अभी ना हम इस शॉप में आ गए जहाँ से आनी मामू लोग ना शॉपिंग करके गए थे। ये देखो 50 रियाल में देखो कितना प्यारा आया है। ये देखो जिप लगी हुई है, बटन्स की भी टेंशन नहीं, ये भी 50 रियाल में। वाओ ये भी 50 में। ये अब बास्केट थोड़ी साइड पे करो। 50 रियाल में देखो गाइज, इतने खूबसूरत अबाए। अगर आप लोग अब आए ना तो इसकी लोकेशन मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप लोग फिर यहाँ विजिट करना, बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं। सीधा करके दिखाओ थोड़ा सीधा। हाँ ये देखो, ये इसका स्टाइल है, बाजू पे और फ्रंट पे इस तरह से ये डोरी लगी हुई है। हम अब फिर दोबारा रख लगा के फिर रही हैं। ये कितने की है? 67 की। 97। हाँ 97। अच्छा ये रखना। हाँ कितना है? ये इधर से नीचे गिर गया था मेरे हाथ पे। अच्छा ये कुछ ऐसी चीजें भी हैं। ये देखो ये पता नहीं कितने की है, वो 54 की है। नहीं देखो कितनी प्यारी। ये देखो इसके स्लीव्स भी इतने प्यारे। और ये देखो ये 10 रियाल का, ये सारे कलर्स हैं इसमें, 10 रियाल में है ये। ये कितने का? 85 का। हाँ ये मैक्सी है, लॉन्ग मैक्सी। ये ब्राउन कलर भी है इसमें, ये देखो ये कितना प्यारा। हाँ है ही बड़ा प्यारा वाकई, प्लेट्स पे यहाँ ही 75 तो वाकई बहुत क्यूट है। वो वाला तो बाय नहीं नजर आ रहा। कौन सा वाला? मेरे वर्गा। ये देखो गाइस ये कितना क्यूट है। फ्रेंड्स लाजमी है ना, अगर आप इस शॉप अभा सिटी में आओ ना तो जरूर आना। ये इसके स्लीव्स,
और जैकेट्स वगैरह भी हैं। बाकी ऊपर चल के देखते हैं। 20 ना तंग, 21 सही रहना। कहते सही बाजू देखो लुंडा चाहिए। थोड़ी खुली है मम्मी, एक साइज इस तो होर छोटा। हां जी 21 कह रही तो अनु 21 है। क्यों मेरा बकरा बटेरा बाहर कटने लगे। 21 भाई के सही आती है। की एक 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 नंबर छोटा लेंथ विच और फिटिंग। कड़ाकड़ा वाला कपड़ा तो नहीं। 57-21 इच्छा वाला। देखो एक हमने ये देखा है, दूसरा हमने ये देखा। अच्छा इसमें क्या कुछ है भाई? ये वाला या फिर ये वाला? मरकज अलबर्दवील, ये देखो गाइस ये शॉप है मरकज अलबर्दवील। ये देखो गाइस ये तो की शॉप उधर हो गए खड़े हुई, थोड़ा आगे होके थोड़े आगे हो। ये देखो गाइस हमारा छोटा चीख किन्नी गोली के वरी आ सदके जावा। वाओ मुन्ना क्या बना है, मुन्ना क्या बना है, मुन्ना चीख बना है। आ देख लो कितने खुश हो रहे। जैसे मुन्ना का साइज लिए ना थोड़ा खुला और बड़ा, ऐसा आपका ले। क्या हुआ? 50 रियाल को आ गए पैचे। वाओ किसने दिए? मामू से पूछो जरा चेंज करवाया, चेंज करवाया मामू बिलाल दा साइज चेंज कीता? सही है बस ठीक है। ओथो 135 रियाल दा लिया 5 kg वाला। ते आ केड़ा ब्लैंकेट, ए किन्ने केजी दा वा? ए भी 5 दा होना ही है। वेट तो नहीं लिखा हुआ, हाँ बस इतना की वेट है। लेकिन ये देख लो 299 का मिल रहा था, अभी ये 249 का है। और ये देखो ओपन करके दिखाती हूँ, इसकी क्वालिटी भी आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो किसी काम का भी नहीं लग रहा सच्ची। हाँ 5 किलो का ही है। हाँ चलो इसको बंद कर दें। मरकज बर्दवील से मैंने अपने लिए ब्लैंकेट लिया है, बेडशीट लिए है, और इतना प्यारा उनका स्टफ है और रेट भी उनके बहुत रीजनेबल है। और ऐसे ही मैंने ओथेम पे ग्रोसरी करते हुए ये ब्लैंकेट देखा है। आप यकीन करें इसका रेट इतना हाई है लेकिन क्वालिटी इसकी इतनी बुरी है ना, देख के ही हाथ लगा के पता चल रहा था कि इसका स्टफ किसी काम का भी नहीं है। लेकिन वहां से हमें चीजें बहुत प्यारी मिली थी। अभी हम लोगों ने बस ग्रोसरी की है और बच्चों ने ये राइड ली है, इन दोनों ने एक जैसी गाड़ियां ली थी और बड़े प्यारे लग रहे थे। अच्छा मुस्ना आज बड़ी खुश थी तो पहन के, आपने भी देखा होगा कितनी एक्साइटेड हुई थी माशाल्लाह। तो खैर हमने ग्रोसरी वगैरह कर ली है, अभी हम निकलते हैं बाहर। और ये देखें इतनी ज्यादा ओस पड़ती है यहाँ पे, इतनी सर्दी है, सुबह सुबह ना हल्की हल्की बर्फ जमी होती है। ओके गाइस अभी मैं व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखा करें। फिर मिलेंगे जी, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।